पिछले एपिसोड में आपने देखा कि फेंग यू मिंगटेन को नई साइकिल गिफ्ट करती है और उसे अपने साथ फाइट करने के लिए भी मनाने की कोशिश करती है, लेकिन मिंगटेन अपने पास्ट में हुई घटना की वजह से फिर से बॉक्सिंग करना नहीं चाहता। अब आगे मिंगटेन और फेंग यू कॉलेज के प्रिंसिपल के पास आते हैं और फेंग यू की बातें सुनकर प्रिंसिपल उसे डांटते हैं और कहते हैं, तुमने मिंगटेन से पूछे बिना उसको अपना ओपोनेंट क्यों चुना, तुम्हें एटलीस्ट एक बार पूछ लेना चाहिए था। इसके बाद वो मिंगटेन को भी डांट लगाते हैं क्योंकि मिंगटेन ने भी कॉलेज से ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डाली हुई थी जिसको वो रिजेक्ट कर देते हैं। ये सुनकर मिंगटेन को थोड़ा बुरा लगता है। फिर प्रिंसिपल कहते हैं, देखो तुम दोनों हमेशा लड़ते ही रहते हो, इसलिए तुम दोनों को सजा मिलनी चाहिए और तुम्हारी सजा ये है कि तुम दोनों मिलकर कॉलेज के स्विमिंग पूल को साथ में साफ करोगे और तुम पर एक टीचर नजर भी रखेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों स्विमिंग पूल साफ करना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ देर बाद फेंग यू मिंगटेन के ऊपर पानी फेंकती है तो मिंगटेन टीचर की तरफ देखता है, लेकिन वो तो बड़े मजे से सो रही होती है, तो ये देखकर मिंगटेन भी फेंग यू पर पानी फेंकता है और ऐसे ही दोनों आपस में पानी फेंकने लगते हैं। लेकिन तभी टीचर की आंखें खुल जाती है और वो दोनों को डांटती है कि तुम दोनों को लड़ाई करने की वजह से ये सजा मिली थी, लेकिन तुम दोनों तो यहाँ पर भी लड़ाई कर रहे हो। इसके बाद वो टीचर दोनों का एक एक पैर आपस में बांध देती है। पैर बंधने के बाद दोनों को एक साथ काम करने में तो क्या, चलने में भी दिक्कत होती है। लेकिन फिर मिंगटेन को एक आइडिया आता है और वो फेंग यू से कहता है, देखो जब मैं एक कहूंगा तो तुम अपना वो वाला पैर आगे रखना और जब मैं दो कहूंगा तो हम दोनों ये वाला पैर आगे रखेंगे। मिंगटेन का ये आइडिया काम कर जाता है और वो दोनों ऐसे ही एक दो कहते हुए पूल की सफाई कर देते हैं। सफाई करने के बाद दोनों इतना थक जाते हैं कि चेयर पर बैठते ही सो जाते हैं। फिर जब फेंग यू की आंखें खुलती है तो वो मिंगटेन को देखने लगती है। वो बहुत प्यार भरी नजरों से उसको देखती है और तभी उसकी नजर मिंगटेन के गले पर पड़ती है और वो उसके कंठ को देखकर बहुत हैरान होती है और मिंगटेन के करीब जाकर उसे छूने की कोशिश करती है और इतने में ही मिंगटेन की आंखें खुल जाती है तो फेंग यू थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन फिर वो मिंगटेन से कहती है, तुम्हारे गले पर कुछ था, मैंने हटा दिया। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं हम देखते हैं सुनाओ को जो अपने कॉलेज की बॉक्सिंग रिंग में खड़ा होता है। तभी जाओमी उससे मिलने के लिए वहाँ आती है और उसे देखकर सुनाओ कहता है, अरे तुम यहाँ अपने शॉप के प्रोडक्ट की आफ्टर सेल सर्विस देने आई हो क्या? तो जाओमी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी शॉप के प्रोडक्ट सबसे बेस्ट क्वालिटी के होते हैं। मैं यहाँ तुम्हें चैलेंज करने आई हूँ ताकि आज मैं तुम्हें हरा कर चैन की नींद सो सकूँ। तो सुनाओ कहता है, सॉरी क्या कहा तुमने? चैन की नींद? मतलब जब से तुम मुझसे हारी हो तब से तुम सोई ही नहीं हो? तो इस बात पर जाओमी थोड़ी चिढ़कर बोलती है, तुम्हें इतनी सारी बातें क्यों करनी होती है? तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम मुझसे आज फाइट करोगी या नहीं। तो सुनाओ उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है और अपने ग्लव्स निकालने लगता है, लेकिन इतने में ही जाओमी को अचानक से पेट दर्द होने लगता है। सुनाओ उसे देख लेता है और उसके पास जाकर कहता है, मुझे लगता है कि आज मैं तुमसे फाइट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अभी मेंटली तैयार नहीं हूँ, तो क्या हम किसी और दिन फाइट कर सकते हैं क्या? तो जाओमी थोड़ा गुस्सा होकर कहती है, एक छोटे से बॉक्सिंग मैच के लिए मेंटली तैयार होने की क्या जरूरत है तुम्हें? लेकिन उसके पेट में भी दर्द हो रहा होता है इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। फिर रास्ते में चलते हुए सुनाओ उसके पीछे से आता है और उसको अपना बैग पकड़ाकर दुकान में चला जाता है। दुकान से वो हॉट चॉकलेट खरीद कर लाता है और जाओमी को देकर कहता है, ये पी लो तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा और हाँ अभी तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। ये सब कहकर सुनाओ वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाओमी सोच में पड़ जाती है कि इसको मेरे पेट दर्द के बारे में कैसे पता चला, और फिर वो मुस्कुराती हुई हॉट चॉकलेट पीने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम फेंग यू को देखते हैं जो कि मिंगटेन के ख्यालों में खोई होती है और सोच रही होती है कि ये कैसी फीलिंग्स है। तभी उसके पीछे से आवाज आती है, तुम प्यार में पड़ चुकी हो। ये सुनकर फेंग यू अपने पीछे देखती है तो उसके पीछे से दो लड़कियां आपस में बात करती हुई जा रही होती है, लेकिन उसकी बातों से फेंग यू को समझ आ जाता है कि वो मिंगटेन से प्यार करने लगी है। फिर हम मिंगटेन को देखते हैं जो अपने भाई बहनों के साथ मार्केट में आया होता है, लेकिन मार्केट में वो एक लड़के को देखते ही थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर जब वो घर जाने लगते हैं तो वही लड़का उनके सामने आ जाता है। दरअसल ये लड़का स्कूल में उसके साथ पढ़ता था और मिंगटेन को बहुत परेशान करता था, तो आज भी वो उसके सामने आकर कहता है, और बेटा मुझे पहचाना, तेरे स्कूल में साथ पढ़ता था, तुझे याद है ना कि मैं बॉक्सिंग के लिए तुझे ही सैंडबैग की तरह इस्तेमाल करता था? यार तूने मुझसे बहुत मार खाई है और मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ फिर से रहना शुरू कर दे ताकि मैं फिर से बॉक्सिंग की प्रैक्टिस तेरे साथ कर सकूँ। ये सब सुनते ही मिंगटेन का छोटा भाई भागकर उसके पास जाता है और उस लड़के को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का उसके भाई की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, देख तेरे अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अपने छोटे भाई की तरह मुझसे लड़ सके। ये देखकर मिंगटेन अपनी मुट्ठी कस लेता है, लेकिन वो लड़ाई करना नहीं चाहता इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल करके शांत रहता है और उस लड़के से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे भाई को छोड़ दो।
तो वो लड़का कहता है, छोड़ दूंगा, लेकिन उसके लिए तुझे मेरे सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ाना पड़ेगा। ये सुनकर मिंगटेन अपने घुटनों पर बैठकर उससे अपने भाई को छोड़ने के लिए कहता है, तो वो लड़का मिंगटेन को लात मारता है और उसके छोटे भाई को छोड़कर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिंगटेन अपने छोटे भाई को देखता है कि कहीं उसको कोई चोट तो नहीं आई, लेकिन उसका भाई कहता है, मुझसे दूर रहो। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का चलते हुए सोचता है, मैं ऐसे ही अकड़ कर रहूंगा तो लोग मुझसे डरेंगे और मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। स्कूल में जैसे हर कोई मुझे मार कर चला जाता था, अब ऐसा कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ और मैं भी अपनी ताकत सबको दिखाऊंगा। तभी वो अपने सामने सुनहाओ को देखता है और सोचने लगता है, मैं भी इसी की तरह बॉक्सिंग चैंपियन बनूंगा, इसीलिए तो मैंने कॉलेज में बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन किया है। इसके बाद रात हो जाती है और हम मिंगटेन को देखते हैं जो कि उस लड़की की वजह से बहुत गुस्से में होता है, लेकिन फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। फिर कुछ देर बाद उसका छोटा भाई वहाँ आता है और उससे पूछता है, भैया क्या वो लड़का सच बोल रहा था? स्कूल में वो आपको परेशान करता था, लेकिन फिर आपने उसको कुछ क्यों नहीं कहा? तो मिंगटेन उसे समझाता है कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, लड़ाई करने से परेशानी ठीक नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। तो उसका भाई कहता है, भैया आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि बचपन से आपने हमें सिखाया है बहादुर बनो, किसी से डरो मत, लेकिन जब आपकी बहादुर बनने की बारी आई तो आप चुप रहे, ऐसा क्यों? अब इन सब बातों से मिंगटेन को थोड़ा गुस्सा आता है और वो ऊंची आवाज में कहता है, अगर मैं वहाँ लड़ाई करता और मुझे कुछ हो जाता तो तुम्हारी देखभाल कौन करता? और तुम्हें पता है, हमारे पापा भी एक फाइटर थे और एक हादसे की वजह से वो शराब पीने लगे, जिसकी वजह से हमारी माँ हमें अकेला छोड़कर चली गई और पापा भी ये दुनिया छोड़कर। लेकिन तुम्हें ये सब समझ नहीं आएगा, तुम्हारा सोने का टाइम हो गया है, जाकर सो जाओ। फिर मिंगटेन से डांट खाकर उसका छोटा भाई रोते हुए अपने रूम में चला जाता है और मिंगटेन वहाँ खड़ा होकर फेंग्यू की कही बात के बारे में सोचता है कि उसे बॉक्सिंग की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं ब्रूने को जो कि बड़े ही स्टाइल के साथ बॉक्सिंग क्लब में एंटर करता है और क्लब में आते ही अपनी शर्ट उतारकर अपनी बॉडी को फ्लेक्स करने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं होता, तो वो सोचता है और कहता है, अरे यार ये लड़कियाँ मुझे मिंगटेन की तरह लाइक क्यों नहीं करती? इतने में ही वहाँ मिया आती है और कहती है, बेटा ये स्पोर्ट्स कॉलेज है और यहाँ के सारे स्टूडेंट्स बहुत टैलेंटेड है और सभी लड़कियों की खुद की बहुत अच्छी बॉडी है, इसलिए तुम्हारी बॉडी दिखाकर फ्लेक्स करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और रही बात मिंगटेन की, तो वो हमारे कॉलेज का सबसे पहला लड़का है और तुम सबसे लास्ट, तो तुम्हारी वैल्यू भी सबसे लास्ट में ही होगी। और हाँ, मिंगटेन बहुत इनोसेंट और क्यूट है, इसलिए यहाँ की सारी लड़कियों को वो बहुत पसंद है। अब ये सब कहकर मिया वहाँ से चली जाती है तो ब्रूने उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन नीचे गिरे तेल की वजह से वो फिसल कर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एमएमए क्लब को जिसमें फेंग्यू भी होती है। अब यहाँ पे हम मिंगटेन को भी बैठा देखते हैं, जिसका मतलब है कि मिंगटेन भी अब फाइटिंग सीखने वाला है। तो उनका ट्रेनर सबको बताता है, एमएमए सबको सीखनी चाहिए क्योंकि ये एक मिक्स मार्शल आर्ट है जो कि आपको जीवन में बहुत काम आएगा। इस आर्ट में फेंग्यू हमारी एक्सपर्ट है जो आपको डेमो देकर दिखाएगी, तो क्या तुम में से कोई डेमो के लिए आना चाहेगा? ये सुनकर वहाँ बैठे सभी स्टूडेंट एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी ब्रूने अपना हाथ ऊपर करता है, हाँ मैं आना चाहूंगा। फिर वो फेंग्यू के सामने आकर कहता है, उस दिन तो मैं रेडी नहीं था इसलिए तुमने मुझे गिरा दिया था, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। इतना बोलते ही फेंग्यू उसको पकड़कर फिर से जमीन पर गिरा देती है और बेचारे ब्रूने की फिर से बेइज्जती हो जाती है। ये देखकर ट्रेनर किसी और को बुलाता है तो ब्रूने कहता है, सर मैं एक बार फिर से ट्राई करना चाहूंगा। तो फेंग्यू उसी के साथ सब स्टूडेंट को एमएमए का डेमो देती है और बेचारा ब्रूने खूब सारी मार खाता है। फेंग्यू को ऐसा लड़ते हुए देखकर मिंगटेन बहुत हैरान होता है और फेंग्यू के लिए तालियां बजाने लगता है। अब आगे हम देखते हैं मिया और जाओमी को जो कि बुक पढ़ रही होती है। दरअसल ये दोनों रिसर्च कर रही होती है कि किसी को अपनी बातों में कैसे उलझाया जाए ताकि ये मिंगटेन को बॉक्सिंग टूर्नामेंट के लिए मना सके। इतने में मिंगटेन वहाँ आता है और उन दोनों को देखकर इशारा करता है, लेकिन वो दोनों उसे देखकर वहाँ से भागने लगती है। शाओमी भी यहाँ से कहती है, अभी इससे बात करने का कोई फायदा नहीं, पहले ये बुक पढ़ लेते हैं और फिर उससे बात करेंगे। लेकिन उनको भागता देखकर मिंगटेन भी उनके पीछे भागने लगता है और आगे जाकर उनका रास्ता रोक लेता है। तो वो दोनों लड़कियां उससे कहती है, यार तुम बॉक्सिंग तो नहीं करते लेकिन रनिंग बहुत अच्छी कर लेते हो। फिर मिंगटेन उनको एक पर्चा देता है और कहता है, ये लो ये मेरी क्लास का टाइम टेबल है और क्लासेस के बाद मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ जिसकी टाइमिंग यहाँ पर लिखी हुई है। इसके अलावा जो भी फ्री टाइम बचेगा उसमें तुम दोनों मुझे बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दे सकती हो। मिंगटेन की ये बात सुनकर वो दोनों बहुत हैरान होती है और मिंगटेन वहाँ से चला जाता है।
लेकिन वो दोनों हैरान होकर कहती है, इसको क्या हो गया, ये इतनी आसानी से कैसे मान गया। फिर वो दोनों उसका टाइम टेबल देखती है, लेकिन उस टाइम टेबल में कोई भी फ्री टाइम होता ही नहीं है, मतलब मिंग टैन हमेशा कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो ये देखकर वो दोनों एक दूसरे को देखती है, वो सोच में पड़ जाती है कि अब इसको ट्रेनिंग दे तो किस टाइम दे। अब इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब आगे ये दोनों मिंग टैन को ट्रेनिंग कब देंगी, ये देखने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा हमारी नेक्स्ट वीडियो का। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। और आपको ये वेब सीरीज कैसी लग रही है ये भी कमेंट करके जरूर बताना।